देवरा, जिस मूवी के लिए लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे, करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो रिलीज हो चुकी है थिएटर में और थिएटर पूरी तरह से हाउसफुल चल रहे हैं अभी। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं, अभी सोशल मीडिया में जितने भी रिव्यू देने वाले लोग हैं सभी उसकी नेगेटिविटी पर प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन लोग ने देखा हुआ है फिल्म और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वास्तव में क्या यह मूवी देखने लायक है भी या नहीं भी, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने का एक नज़रिया होता है, कोई भी मूवी आप जब देखने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें क्या देखते हैं, स्टोरी लाइन या फिर VFX या फिर कुछ और। वैसे तो मार्वल सिनेमेटिक्स के जितने भी मूवीज़ हैं, DC के जितने भी मूवीज़ हैं, उन सारे मूवीज़ को देख करके VFX देखने की आदत पड़ गई हम लोगों की। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे देवरा मूवी में, तो ये अच्छी कमाई कर रही है, थिएटर फुल चल रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग नेगेटिविटी का प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे रिव्यू देने वाले लोग हैं YouTube पे, वे सभी इसका नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे नज़र से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब कोई मूवी देखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोचता हूँ कि कैसे मूवी की स्टोरी लाइन जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए और थोड़ा बहुत उसका VFX भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या ये देवरा मूवी में ऐसा पाया गया है? तो यदि आप देखिएगा तो देवरा मूवी का VFX उतना अच्छा नहीं है, बट स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा है और फिल्म में ये भी कमी बताया जा रहा है कि ये थोड़ा लेंदी है और एक ही डायलॉग्स को बोलने के लिए काफ़ी समय ले रहा है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, आप मूवी देखने जाइएगा तो ऐसा लग सकता है कि ये 90 के ज़माने का मूवी है, पर उस ज़माने में भी तो फिल्म अच्छी होती थी और काफ़ी लोग देखते भी थे, और इस ज़माने में भी उस तरह की फिल्में काफ़ी हैं जो चल चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाई कर चुकी हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था कि किस तरह से बहुत सारी मूवीज़ हुई थी जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यदि हम लोग वो गदर 2 की बात करें तो वो भी 90 के ज़माने की ही फिल्म लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसने 600 करोड़ रुपए की कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल कर लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 90 के ज़माने की फ़िल्म है इसीलिए लोग इसके नेगेटिविटी का प्रचार करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी। ये ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है, ये लोगों के माइंडसेट के ऊपर है कि वो किस नज़रिए से देखने जाए। स्टोरी यूनिक है और देखने लायक है मूवी, तो जितने भी लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल VFX चाहे कितना भी अच्छा हो किसी भी मूवी का, और यदि स्टोरी लाइन ही यूनिक ना हो तो क्या वो मूवी देखने लायक है? या फिर किसी दूसरे मूवी का कॉपी कर लिया गया तो क्या लोग उसको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी मूवी जिसका स्टोरी लाइन यूनिक है तो वो देखने लायक होती है। बाकी बात आपका क्या सोचना है, आपको ये मूवी कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं ये देखने लायक है या नहीं है, ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।